चलिएगा। तो एक पोम हमने अभी पैराबोला की ये पढ़ी है, ठीक है बेटा, इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये वर्टेक्स था 0 0, इस तरह से था ना, अभी ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये पी कोई मूविंग पॉइंट है ना, ये एस जिसे हम A0 फोकस बोल रहे थे, ठीक है बेटा, और E की वैल्यू 1 होती है, एसेंट्रिसिटी टी एस इक्वल टू टी एम, ये सब चीजें पढ़ के आए थे हम लोग, ठीक है बेटा। और इसकी जनरल फॉर्म अगर फॉर्मूले पे हम जाते हैं या जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद है बेटा मुझे? आजी बेटा ध्यान है। यस सर। अब अगर ये आप कन्वर्ट कर दें या फिगर को थोड़ा रोटेट कर दें और इसको ऐसे ले आए, तो इधर फोकस अब क्या बनने वाला है, -A0, ये पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इस बार, ये होगी एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डल गया, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी बेटा वो होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्या होगी बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और जो इसका रिलेशन है इन दोनों का, तो जितनी भी चीजें इसके लिए होती थी तो उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने लिखा फोकस के बारे में, तो फोकस अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो इसके लिए था माइन ए कोमा जीरो, तो इसके लिए होगा -a,0। यहां पर अगर मैं लिखूं डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, वर्टेक्स 0 0 रहेगा दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ लेट ऑफ रेक्टम 4a, यहां भी 4a, कोऑर्डिनेट ऑफ लेट ऑफ रेक्टम आपको याद होगा जब इसके लिए लिखा था तो a कोमा 2a था और ये a कोमा माइनस 2a था, तो यहां पर a कोमा प्लस माइनस 2a कह दो आप, इधर क्या होगा, देखो इस तरफ x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो माइनस ए प्लस माइनस 2a, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है बेटा, चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया बेटा। यस सर। और इसमें अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो ये है टेंजेंट, क्या है बेटा, ये टेंजेंट होगा यहां पर ये वाला, देख रहे हो आप वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और इक्वेशन क्या होगी एक्स इक्वल टू 0, यहां भी ये चीज क्या बनेगी बेटा, टेंजेंट, और टेंजेंट कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इक्वेशन क्या होगी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, हो गया बेटा, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर दोनों ले लेते हैं एक साथ, अब इस बार ओपन अप वर्ल्ड का केस, इस तरीके का, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहां ये हो गया इस बार फोकस इस तरफ 0 कोमा ए, ये अपना मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई, परपेंडिकुलर डलेगा यहां पर एम,
ठीक है, ये होगा वाई इक्वल टू माइनस ए और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। ओके, वर्टेक्स अपना जीरो जीरो यहां है ही, तो लिख देंगे वर्टेक्स जीरो जीरो हो जाएगा, फोकस जीरो कोमा ए, एल आर, एल आर दो, यहां पे लेंथ, लेंथ हो जाएगी फोर ए और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आप ऐसे समझे जब ये आप परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे तो ये जो होगा ये होगा एक्स पे ए और ये वाई पे टू ए, ठीक है, सॉरी एक्स पे दो, वहां पर चेंज लो, एक मिनट, यहां पर होगा टू ए और ये होगा ए, तो इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस टू ए कॉमा ए, ये ए है लेंथ, ये भी ए हो गया, तो ये क्या बनने वाला है अपने पास 2a कॉमा ए और यहां पर ये प्लस माइनस लगा लो ऐसे, ठीक है ना बेटा? ये चीज आपके क्या बनेगी, टेंजेंट, टेंजेंट कौन होगा इस बार x एक्सिस, टेंजेंट हो गया x एक्सिस और इक्वेशन होगी y इक्वल टू जीरो। क्लियर है? हाँ जी बेटा। और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वाई इक्वल टू माइनस ए, जिसे आप वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। दिख रहा है बेटा सही? यस सर। अब इस तरफ दूसरे वाला उठाते हैं, इसे रोटेट कर देते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये हो गया फोकस जीरो कोमा माइनस ए, ये अपना बी पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये डल गया परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है भाई, ये ए होगा और ये भी ए होगा। अब इसमें सीधी सी बात है, इक्वेशन के लिए जाओगे माइनस फोर ए वाई, ये अपनी क्या है टेंजेंट, टेंजेंट कौन है वाई एक्सिस और इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, ओ सॉरी एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस होगा और ये हो गया वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। अब आप इसके लिए वर्टेक्स पे जब जाएंगे तो वो तो जीरो जीरो रहेगा, जब फोकस लिखेंगे जीरो कॉमा माइनस ए और अपना डायरेक्ट्रिक्स लिख लो और एल आर की चीजें और लिख लो, जब मैं लेंथ की बात करूंगा बेटा लेंथ जो होगी वो अपने पास होगी फोर ए, क्या होगी लेंथ फोर ए और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे अपने पास में प्लस माइनस, ये देखो ये इधर और इधर दोनों तरफ जाएंगे ना ऐसे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और x की वैल्यू प्लस माइनस जाएगी इस तरीके से। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखोगे y इक्वल टू a, ये ऊपर की तरफ है तो y इक्वल टू a, ठीक है, इसे इधर भी ला सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलिएगा नोट कर लीजिए,
एसेंट्रिसिटी तो याद ही रख लेना बेटा, ई की वैल्यू वन है, फिक्स है ये एसेंट्रिसिटी। यस सर। चलो एक एग्जांपल लगा रहा हूँ, ठीक है, देखें लगाऊं एग्जांपल आगे के लिए। यस सर। लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is at -1, -2 and the directrix is the straight line x-2y+3 = 0। चलिएगा ध्यान से कीजिए बेटा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों आपको दे दी गई हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। हाँ जी बेटा आ गया। चलो कितनों को याद है ये PS इक्वल टू PM यूज होना है बेटा, क्यों बेटा? अपना P पॉइंट XY, फोकस -1, -2 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x-2y+3 = 0। अब अपने को यहां यूज कर लेना PS, तो x-1 हो जाएगा एंड y+2 हो जाएगा, ये अपने पास आएगा रूट में अभी, इक्वल टू x-2y+3 अपॉन अंडर रूट, ये x2y2 लगाते हैं ना, सॉरी a2b2 लगाते हैं यहाँ पर, ऐसे होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए आप, यहां पर स्क्वायर खोल देते हैं, x2+1+2x, y2+4+4y, इस तरफ आते हैं, नीचे तो अपना 5 हो जाएगा, दिख रहा है मुझे? यस सर। सही चल रहा है ना बेटा। अब इसको स्क्वायर खोल लेते हैं, देखो a2 b2 फिर c2, उसके बाद 2ab 2bc और फिर लिखते थे 2ca, ऐसा हो जाएगा। अब आप ये 5 को इधर ले आएंगे, 5x² 5 10 5y² 20 20y, बाकी ये एज इट इज रह जाएंगे इस तरफ, ऐसा बन गया ये पूरा, क्यों बेटा दिक्कत कुछ? नो सर। अब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी सेकंड डिग्री, ठीक है बेटा? सही है बेटा? यस सर। नोट कर लीजिए। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे अभी हमने वर्टेक्स के बारे में बात की, ये वर्टेक्स 0, 0 है तो उस केस में इक्वेशन ये इस तरह की होती है, लेकिन अगर वर्टेक्स एच के हो तो हम y-k² = 4ax-h इस्तेमाल कर सकते, देख रहे हैं आप? ये ध्यान रखना, अगर वर्टेक्स 0, 0 की जगह एच के हो तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये स्क्वायर है आपके, सही है बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल और लगाते हैं आगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. Whose focus is four comma minus three and vertex is four minus one. ठीक है बेटा, चलिएगा. फोकस और वर्टेक्स दोनों चीज दी हुई है. इसमें एक बात आप समझ लें कि देखो ये फिगर के हिसाब सोचो, ये ध्यान होगा डायरेक्ट्रिक्स जब हमने बनाई थी तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट होता है ये माइनस ए जीरो, ये जीरो जीरो और ये होता है ए जीरो. इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है ये फोकस है और इसे मैं कोई L पॉइंट ले लेता हूं, है ना. तो V जो है वो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है किसका, LS का. देख रहे हैं आप इस पूरी में ये वाला हिस्सा मिड पॉइंट होता है. बस थोड़ा ध्यान से लगाने की कोशिश करो. ठीक है भाई, ध्यान से लगाना. चलो इसके पहले कोऑर्डिनेट मेंशन करके देखते हैं. एक कोऑर्डिनेट है फोर माइनस थ्री, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ये फोर माइनस थ्री यहां हो गया. दूसरा है फोर माइनस वन, एक यहां हो सकता है ये. अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है. और पैराबोला कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा मान ले, ठीक है जी. ये दोनों अगर आप पॉइंट ये दोनों देखें तो फोर फोर फिक्स है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी अब, जो कि हम बोलते हैं एक्सिस है इसका, ठीक है. और एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू फोर. देख लो फोर फिक्स है, देखो ध्यान से दिख रहा है बेटा, ये वी हो गया, ये एस हो गया, फोर तो फिक्स है ना अपना, दिख रहा है बेटा. अब ये लाइन यहां होगी कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स, क्यों बेटा होगा ऐसे. यस सर. अब अगर मैं इसके ये वाले कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा ले लेता हूं तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस फोर अपॉन टू इक्वल टू फोर और बीटा जो उसके साथ है यहां पर माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू माइनस वन. तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, फोर. सोचो, और बीटा वन. तो वाई इक्वल टू ये वाली लाइन जो होगी ये वाई इक्वल टू वन होगी. क्या होगी बेटा, वाई इक्वल टू वन. हाँ जी बेटा. यस सर. अब क्या ऐसा मान ले कि यहां एक मूविंग पॉइंट पी ले लेते हैं जो होता था जनरली, ये ज्वाइन कर लेते हैं और ये परपेंडिकुलर डाल लेते हैं ऐसे. तो पी एस इक्वल टू पी एम पढ़ा था मैंने, क्लियर है बेटा. यस सर. अब बेटा पी एस क्या होगा, एक्स, देखो एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस थ्री, तो ये प्लस थ्री हो जाएगा रूट में रहेगा, इक्वल टू पी एम होगा वाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस जीरो ऐसे, या जीरो प्लस वन वो ले सकते हैं आप, जीरो प्लस वन. अब यहां पर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड पे चले जाइएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई. दिख रहा है बेटा ऐसे. हाँ जी बेटा. यस सर.
क्लियर है? नोट कर ले बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। करें आगे? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स इज एट पॉइंट फॉर द पॉइंट। बेटा पॉइंट पूछा गया है आपसे, क्लियर है? यस सर। बना बेटा? चलो देखते हैं, अगर इसकी फिगर पे आते हैं हम तो फिगर कुछ ऐसी बना सकता हूं मैं, ये अपना वर्टेक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के हिसाब से ए टू हो जाएगा। हाँ बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के हिसाब से ए टू हो गया। यस सर। ये ऐसे कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए अपना माइनस में, ए मतलब टू, तो ये डिस्टेंस टू फोकस भी आ जाइएगा टू जीरो। कोई पॉइंट पी होगा अगर, तो सपोज अल्फा बीटा है, फिर अपना याद होगा पी एस इक्वल टू तो पी एम होता था, क्यों बेटा होता था? यस सर। अब ये बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां एक अल्फा बीटा पॉइंट ले लेते हैं, दिख रहा है मुझे बेटा? तो आपको याद होना चाहिए फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होती है बेटा एक्स प्लस ए, क्या होती है? एक्स प्लस ए। तो मैंने तो पॉइंट अल्फा लिया है, तो अल्फा प्लस ए, ए कितना है अपना टू, और फोकल डिस्टेंस है कितनी एट, हाँ बेटा? यस सर। अब क्या लिखोगे? अल्फा सिक्स, जब अल्फा सिक्स होगा तो ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू एट अल्फा। अब बीटा स्क्वायर निकालना है, एट इंटू सिक्स 48, तो बीटा कितना आएगा? फोर रूट थ्री प्लस माइनस। हाँ जी बेटा। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक तरह से वो क्या होंगे? ये होगा अपने पास जब, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के? सिक्स कॉमा प्लस माइनस फोर रूट थ्री, ये अपना आंसर बनेगा। आगे बेटा पी पॉइंट, हाँ जी बेटा। हो गया बेटा? यस सर। नोट कर ले बेटा,
चलो नेक्स्ट लगाते हैं. फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला. Inscribed in the parabola. Y square equal to 4x. ठीक है भाई. अभी से थोड़ा सा ऐसा समझ सकता हूं मैं. ये वाई स्क्वायर है, इसमें मैंने ना ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी. अपने पास एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सोच के करके देखो. ठीक है बेटा, समझ में आया ना क्वेश्चन? यस सर. आया बेटा? चलो देखो जरा ध्यान से. हमने जो पॉइंट माना है, पहला ही पॉइंट अगर मैं इसमें पास कर देता हूं, ऐसा ऐसा बन जाएगा. सोचो भाई, x1 y1 आपने पास कर दिया, ये पॉइंट आपने पास किया तो ये बनेगा, और यहां से x1 हो जाएगा ऐसे. सिमिलरली y x2 क्या हो जाएगा? और x3 भी बन जाएगा अपने पास. तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी. बन गए कोऑर्डिनेट. अब ये बताओ, एरिया याद है अपने को? एरिया निकालते समय हम ऐसा भी तो रखते थे, ये वाला एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन. याद है अपने को डिटरमिनेंट? हाँ बेटा, सोचो बेटा, ध्यान है फॉर्मूला डिटरमिनेंट में. अब लगा देते हैं वन अपॉन, या एक याद होगा आपको ऐसे एरिया इससे भी निकलता था ना, वो वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. याद है ये भी बेटा? ऐसे भी लगा सकते हो आप. सही है बेटा? Yes, sir. तो ये भी लगा सकते हो. अब इसे बस क्या करना है, मेरे को वैल्यू रख देनी है. देखो x1 के प्लेस पे गया y1 स्क्वायर अपॉन 4a, y2 स्क्वायर अपॉन 4a और y3 स्क्वायर अपॉन 4a. यहाँ y1 वन, y2 वन, y3 वन, ऐसे लिखा. अब यहां से मैं देखता हूं कि ये जो 4a है ये कंप्लीटली कॉमन हो जाएगा बाहर. क्यों बेटा? कॉमन हो जाएगा. ये हटा लेता हूं मैं पूरा ही. जब वो कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे आप? वन अपॉन टू तो ये वाला हो गया, वन अपॉन फोर ए ये जो नीचे फोर है वो आ गया. बची हुई चीजें यहां लिखी जाएंगी तो क्या लिखेंगे हम? वाई वन स्क्वायर वाई वन वन, वाई टू स्क्वायर वाई टू वन, वाई थ्री स्क्वायर y3 वन. ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, लिख सकते हैं. यस सर. और ये कॉमन सा एक्सपेंशन है, अगर आपको थोड़ा याद हो
तो लिखते हैं वाई वन माइनस वाई टू, वाई टू माइनस वाई थ्री एंड वाई थ्री माइनस वाई वन, ऐसा एक्सपेंशन आता है इस तरह की चीज का। तो ये इस तरीके से मैं ये निकाल सकता हूं, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट लगाएं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लेंथ लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला inscribed in the parabola so that one point is at the vertex. ठीक है बेटा, इस तरीके से बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल कि उसका एक वर्टेक्स कहां लाई कर रहा हो, मतलब एक उसका जो वर्टेक्स होगा वो लाई करेगा इसके वर्टेक्स पे पैराबोला। उसका एक पॉइंट जो ट्राइंगल आप बनाएंगे उसका एक पॉइंट पैराबोला के वर्टेक्स पर लाई करेगा, सही है? सोचो ध्यान से। आया बेटा? चलो देखते हैं, y square equal to 4x याद होगा अपने को, ऐसा बनेगा क्यों बेटा? ये वर्टेक्स 0 0, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से, ये पॉइंट हो गए, ये ट्राइंगल हो गया a o एंड b, ठीक है बेटा? अब अगर मैं इसे एल एल ले लूं तो ये 2a 2l 2l हो जाएंगी पूरी लेंथ, यहां अपना 30 30 बन जाएंगे दोनों तरफ। यस नो बेटा? 60 डिग्री ईच होगा ना, ये तो सारे 60 होंगे ना ऐसे। यस सर। तो ये 30 हो गया, है ना? अब अगर अगर मैं ये लेंथ यहां पर ले लो, y ले लो या x ले लो, x, ठीक है, समझ रहे हो? तो x और l का रिलेशन बन जाएगा, या मैं ऐसा कह दूं मैं इसको x ले ही नहीं रहा तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये अल्फा बीटा टाइप के अगर मैं मान लूं तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे आप? ये 2l ले लो, सॉरी ये अल्फा हो गया ना, तो क्या लिख लो, क्यों बेटा? ये 2l हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकाल लो l की फॉर्म में, फिर l निकाल लेंगे हम लोग, l निकाल लेंगे तो पाइथागोरस से लगा के भी निकाल सकते हो, 2l स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस ये अल्फा स्क्वायर, क्यों बेटा? कर सकते हो ना ऐसे, या तो साइन कोस का यूज कर लो या ये पाइथागोरस का यूज कर लो, जो आप चाहें। ऐसा लिख सकता हूं, तो ये पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा रूट थ्री एल कोमा एल में, और ये कहां लाई करेगा? यहां पर लाई करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको,
तो क्या लिखा जाएगा ये एल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए रूट थ्री एल, ऐसा बन जाएगा ये। क्यों बेटा, एक एल अगर मैं हटा लेता हूं तो एल बनेगा फोर ए रूट थ्री, सही है। क्यों भाई, तो आपको तो टू एल चाहिए, लेंथ क्या होगी यहां पर टू एल, एट ए रूट थ्री ऐसी बन जाएगी। क्यों बेटा, इस तरह की आ जाएगी ना। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ध्यान से करना, ये वाला थोड़ा सा खतरनाक लेवल का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose letter fractum is LR, है ना, letter fractum is 4 units, and axis is line ये, and axis is the line थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज 4x minus 3y plus 7 equal to 0। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना बेटा, बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन, कई कंसेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लें। एक बार फिगर देख लो ध्यान से, अगर ये देखा जाए तो ये एक्सिस हो गया अपना और ये बेटा अपनी टेंजेंट हो गई, ये है अपनी टेंजेंट। ओके, हमने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया और ये इस तरीके से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये पीएम हो गया और ये पीएन ले लीजिए, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी है, एक्सिस वाली, ठीक है, ये वाली ये रही, और ये वाली कौन सी है बेटा, ये वाली, क्लियर हो गया ये लाइन है, और पी पॉइंट हो गया अपने पास एक्स वाई, अननोन पॉइंट है कोई, तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, पीएम जो होता है वो लेटर फ्रैक्टम इनटू पीएन, आप ये देख लें एक बार, क्लियर है ऐसे, सॉरी पीएम स्क्वायर इक्वल टू लेटर फ्रैक्टम इनटू पीएन। अब पीएन कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां भी और यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पीएम जब जाओगे आप नीचे वाले पे तो ये होगा 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू जी, सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे, ये अपॉन अंडर रूट ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे, और ये होल स्क्वायर रहेगा ना इस तरीके का बेटा, अब इक्वल आ जाइए, ये एल आर कितना है अपना लेटर रेक्टम, कितना है बेटा फोर, कितना बेटा फोर, और ये पीएन कैसे लगाओगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से लोगे,
क्यों जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा अपना? 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 25, 4 अपॉन 5, और ये होगा 4x माइनस 3y प्लस 7 ऐसे। ठीक है जी, क्लियर है? इसे सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये ऐसे सॉल्व कर लोगे 1, और ये हो गया अपना 5, 20 हो जाएगा इधर आकर। तो ये जो फॉर्म बन के आएगा, इसे ऐसे कर लेते हैं, ये फॉर्म बन के आएगा 3x प्लस 4y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 20 हो जाएगा, और 4x माइनस 3y प्लस 7, ये अपने पास आया, ये आंसर हो गया। इसे आंसर ये अपना बट नोट कर ले इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा लेट अस रेक्टम कॉमा एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पैराबोला की इक्वेशन मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से करेंगे बेटा कैलकुलेशन, ध्यान से नोट कर लीजिए। चलो बेटा देखते हैं अब क्या करना है इसका। चलो सॉल्यूशन डालते हैं। इसमें आप पहले जो इक्वेशन है इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में बना के लाएं, और इसे कुछ इस टाइप का हम बनाएंगे, ठीक है? इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा? तो कैसे लिखेंगे? ये एक्स स्क्वायर और जो x वाली टर्म, एक तरह से मैं कह देता हूं, ये इधर रख लिया मैंने, और 12y प्लस 4 ये ऐसे करके इधर भेज। अब इसका हाफ जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं उसमें इसका हाफ लेंगे, और उसको फिर मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा मैं इसको, एड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा हाफ को स्क्वायर करके, तो ये हो गया 16, और इधर भी हो गया अपना 16। अब इसे लिख लेते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये अंदर ले जाते हैं, 12y प्लस 4 माइनस 16, माइनस 12 हो जाएगा ये भी, और 12 हो गया कॉमन। तो मैं मानता हूं कि भाई मेरे को अगर ये सिंप्लीफाई करना पड़ा तो ये ऐसा बन के आ गया, क्लियर है? ठीक है भाई। अब इसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं, तो अपना x कितना हो जाएगा वहां के हिसाब से, x प्लस 4, y कितना हो जाएगा, y हो गया y माइनस 1, a अपने पास हो जाएगा 4a, भी 4a सी करते हैं ना आप लोगों, 4a, तो 4a हो गया माइनस 12, क्यों जी, तो a हो गया अपना 3, ऐसे a अपना 3 हो गया। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, वर्टेक्स क्या होता था, 0 0, तो ये x इक्वल टू 0 और y भी इक्वल टू 0,
तो यहां से x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स बना -4, 1, ये अपना वर्टेक्स दिख रहा है मुझे क्यों बेटा, ये अपना वर्टेक्स आ गया, ठीक है देख लो। अब फोकस पे चलते हैं, फोकस क्या होगा इसका, इसका होगा 0, -8 टाइप का, भाई ये फिगर तो ये वाली टाइप होगी ना, तो 0, -8। अब यहाँ पे लिख लोगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -a मतलब -3, तो यहां से ये तो 4 आ ही गया था अपना x इक्वल टू -4, और यहां से क्या आएगा y -1 इक्वल टू -3, y इक्वल टू -2, तो 4, -2 -4, -2 -4, -2, ये अपने पास आ गया फोकस। S लिख लो या F लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे ज्यादा, दो चीजें आ गई हैं, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, एल आर लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम वो 4a ही रहेगा तो वो 12 ही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 12 रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इस केस में है वाई इक्वल टू 0, सॉरी ये हाँ ये वाला होगी ना एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 मतलब आप क्या रखोगे वाई -1 इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन ऑफ एक्सिस बन गई, क्या बन गई बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब बचा डायरेक्ट्रिक्स, क्या बचा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू 3, बल्कि इसको मैं ना कैपिटल y ले लेता हूं, y इक्वल टू 3, तो y -1 मैं इसको y इक्वल टू 3 कैपिटल y लेना पड़ेगा ना पहले, तो y इक्वल टू 3, तो यहां अब इसमें y की वैल्यू है y -1, तो y -1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 बन गया। इस तरीके से मैंने इसकी सारी चीजें निकाल ली, नोट कर लें।